हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद लेसन नंबर 13, प्रीपोजिशंस। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, डू रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर मोर ऑफ माई वीडियोज। लेसन नंबर 13, प्रीपोजिशंस। A preposition is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of a sentence. एक preposition लफ्ज़ है जो इसम और किसी जुमले के दूसरे अल्फाज के साथ ताल्लुक को जाहिर करता है. They help us in understanding order, time, connections and positions. वो इरादे, वक्त, राबताओं और परेशानियों को समझने में हमारी मदद करते हैं. एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू कैनेडा. एलेक्स थ्रू अ स्टोन इन टू द पॉन्ड. द प्रेजेंट इज इन साइड द बॉक्स. आई एम गोइंग टू कैनेडा मतलब के मैं कैनेडा जा रही हूँ. इसमें जो टू है ये हमारा प्रीपोजिशन है. एलेक्स थ्रू अ स्टोन इन टू द पॉन्ड. एलेक्स ने पत्थर को पॉन्ड के अंदर फेंका. द प्रेजेंट इज इन साइड द बॉक्स. जो तोहफा है वो बॉक्स के अंदर है. अब इसमें ये हमें बताया जाता है कि चीज़ें कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, तो इसका मतलब है ये हमें प्रीपोजिशन बता रहा है. तो टू इन टू एंड इन साइड आर आर प्रीपोजिशंस. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन के इकसाम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. Preposition of agents or things. Phrasal preposition. Number one, preposition of time. मतलब के वक्त का preposition. ठीक है. Preposition of time shows the relationship of time between the nouns to other parts of the sentence. Preposition of time इसम यानी noun के दरमियान वक्त के ताल्लुक को किसी जुमले के दूसरे हिस्सों से जाहिर करता है. द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स आर. जो सबसे आम प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं जुमलों में वो ये हैं, ऑन, एट, इन, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस, अगो, बिफोर, अंटिल, टिल, बाय, एक्सेट्रा. आमतौर पे हम ये वाले प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्टेड वर्क एट 10 AM. उसने अपना काम 10 बजे सुबह शुरू किया. अब इसमें एट 10 AM हमें वक्त का बताया जा रहा है कि किस वक्त उसने वो काम शुरू किया. तो ये एट 10 AM हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. देर इज़ अ हॉलीडे इन डिसम्बर. दिसंबर में एक छुट्टी है. अब ये भी हमें बता रहा है इन दिसंबर मतलब कि दिसंबर में. तो ये भी हमें उस वक्त का बताया जा रहा है कि कब छुट्टी आएगी. तो ये हमारा भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे. वो पीर से बीमार है. इसमें भी कब से वो बीमार था ये बताया जा रहा है, किस वक्त का बताया जा रहा है. तो सिंस मंडे हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज द रिलेशनशिप ऑफ प्लेस बिटवीन द नाउन टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. सबसे आम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस दूसरे हिस्सों के इसम यानी नाउन के दरमियान जगह के ताल्लुकात को जाहिर करता है. द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. जो सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो ये हैं, ऑन, एट, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, थ्रू, above, over, under, below, etc. ये आम तौर पे हम सेंटेंसेस में
इन प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं जब हम प्लेस और डायरेक्शन की बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस ब्रोक इन टू द हाउस. पुलिस घर के अंदर दाखिल हुए. इन टू हमें बता रहा है किस प्लेस में जा रहे हैं, मतलब कि इन टू हाउस में जा रहे हैं. तो दैट्स वाई ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है. इन टू भी डायरेक्शन बताया जा रहा है, किस डायरेक्शन में वो जा रहे थे. ही इज़ एट होम, वो घर पे है. ये भी हमें बता रहा है किस जगह वो है. तो एट हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन है. आई लिव अक्रॉस द रिवर, मैं दरिया के पार रहता हूँ. अब अक्रॉस जो है वो भी बताया जा रहा है कि वो किस जगह पे. तो दैट्स वाई ये भी हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन है. नंबर थ्री, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और थिंग्स. प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स इंडिकेट अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स इसम और जुमले के दूसरे हिस्सों के दरमियान रिश्ते की निशानदेही करता है. ठीक है. द मोस्ट यूज्ड कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स आर, जो सबसे आम तौर पे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स इस्तेमाल होते हैं वो ये है, ऑफ, फॉर, बाय, विथ, अबाउट, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिकल इज अबाउट स्मार्टफोन्स, के जो लिखा गया है आर्टिकल वो स्मार्टफोन के बारे में है. अबाउट हमें बताया जा रहा है कि किस चीज़ के बारे में. तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट्स और थिंग्स है. ये किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ थिंग है. आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर यू, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ. तो फॉर यू आपके लिए, तो ये हमारा भी प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट एंड थिंग है. He is playing with his brother. वो अपने भाई के साथ खेल रहा है. तो with is a preposition of agents or thing. Number 4, phrasal preposition. A phrasal prepositions are a combination of two or more words which function as a preposition. Phrasal preposition दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के जुमलों के मौजूदा पेशकश है, जो आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं phrasal preposition में. कॉमन phrasal prepositions आर, जो सबसे आम prepositions हम यूज़ करते हैं phrasal prepositions, वो ये हैं, along with, apart from, because of, by means of, according to, in front of, in spite of, in reference to, in regard to, instead of, on top of, out of, with regard to, etc. For example, in spite of being a good player, he isn't selected. बावजूद इसके कि वो अच्छा प्लेयर है, फिर भी उसको टीम ने सिलेक्ट नहीं किया गया. In spite of है हमारा phrasal preposition. They along with their children went to Australia, Atlanta. वो अपने बच्चों के साथ Atlanta गए. Along with हमें बताया जा रहा है कि एक साथ, मतलब कौन सा पोजिशन है उसका. तो ये भी हमारा phrasal preposition है. आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी, मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ. अब ये जो है आउट ऑफ, ये भी हमारा बताया जा रहा है कहाँ पे, मतलब के प्लेस. तो ये भी हमारा phrasal preposition कहलाया जाएगा. थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली चीज़ें. याद रखने वाली चीज़ें बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई भी मसला हो मेरे लेसन्स में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किस तरह से आपके लिए ये वीडियोस और बेहतर बनाऊं. और आप लोगों को अगर कोई मसला है वो भी प्लीज़ लिख दीजिएगा, एंड आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स. फ्रेजेस फॉर फॉरगेटिंग. आज हम थिंग्स रिमेंबर में फ्रेजेस फॉर फॉरगेटिंग, किस किस के कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, और हम इसको कैसे जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनके मतलब क्या है, ये सब मैं आपको आज थिंग्स रिमेंबर में बताऊंगी. एंड आप पॉज करके आप इसे अपने पास भी सेव कर सकते हैं.
लूज योर ट्रेन ऑफ थॉट, मीनिंग टू फॉरगेट वॉट यू आर थिंकिंग राइट इन द मिडल ऑफ थिंकिंग अबाउट इट. कुछ सोचने के बीच आप जो सोच रहे हैं रहे थे उसे भूल जाना. ठीक है, लूज योर ट्रेन ऑफ थॉट का क्या मतलब है? जैसे आप कुछ सोच रहे हो और एकदम से आप भूल जाते हो कि आप क्या सोच रहे थे, तो वो आपका लूज योर ट्रेन ऑफ थॉट. और हम इसे कैसे सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं? यूज्ड इन अ सेंटेंस, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, मैं भूल गया मैं क्या सोच रहा था. टू स्लिप वन्स माइंड, इसका मतलब क्या है? टू फॉरगेट समथिंग, कुछ भूल जाना. यूज्ड इन अ सेंटेंस, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू कॉल यू अर्लियर, इट टोटली स्लिप माई माइंड, मुझे अफसोस है मैं आपको पहले फोन करना भूल गया. टू बी ऑन द टिप ऑफ वन्स टंग, इसका क्या मतलब है? यू नो दैट यू नो समथिंग बट यू कांट रिमेंबर इट एट द मोमेंट, आप जानते हो कि आपको कुछ पता है लेकिन इसे इस वक्त याद नहीं कर सकते हैं. यूज्ड इन अ सेंटेंस, हर नेम इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसका नाम मेरी जबान की नोक पर है, बस एक लम्हा मुझे दें. बस यहीं पे हमारा क्लास ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर मोर ऑफ माय वीडियोस. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.